हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जो शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है जी टेल इन्फ्रा। जी हाँ, यदि हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो शेयर फिलहाल 2.33 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और 7 जनवरी को 4% की गिरावट पर क्लोज हुआ है। ये एक पेनी स्टॉक है और इसके अंदर आपको पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलेगी। यदि हम इसके रिटर्न की बात करें तो शेयर ने 5 दिन में हमें लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो ये हमें 35% का रिटर्न दे चुका है। यदि हम बात करें 6th मंथ की तो इसके अंदर हमें 8% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि इस शेयर के अंदर यहाँ से अपर सर्किट लगेगा या फिर ये लोअर सर्किट लगाते देखने को मिलेगा। अगर इस रेट से इसके अंदर लोअर सर्किट लगता है तो ये आपको लगभग 30 से 50% तक की गिरावट पर जाते देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ से अपर सर्किट लगाता है तो ये अपने 52 वीक को जो इसका 4 रुपये है उसको ब्रेकआउट करते हुए 5 रुपये तक जाते देखने को मिल सकता है। यदि हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इंडिया के अंदर 5G की लॉन्चिंग होने वाली है और कंपनी को लगभग 28,000 प्लस के 5G टावर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नज़र हम इसके फंडामेंटल पर डाल लेते हैं। यदि हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर आप डेट देखोगे कि 5134 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो इसके मार्केट कैप से भी बहुत ज़्यादा है। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को 1271 करोड़ का लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 64 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप 3% की है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसके जो फंडामेंटल है वो अच्छे नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।